नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्टिस्ट मनोहर कलमकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनोहर कलमकर ट्रैवल्स एंड आर्ट्स। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने ये तय किया है कि आज कास्टिंग कैसे करते हैं और कास्टिंग के लिए क्या क्या लगता है। कास्टिंग बोलेगा तो कोई भी मूर्ति साँचे के अंदर कैसे बनती है, मतलब माल मटेरियल लाने के बाद वो मूर्ति कैसे बनती है, उसके बारे में आज अपन लोग वीडियो बनाएंगे और उसके लिए माल मटेरियल क्या क्या लगता है। तो मैंने आज ये तय किया है कि पिछले वीडियो में लगभग एक डेढ़ महीने के पहले हम लोगों ने एक मोल्ड बनाया था स्वामी समर्थ महाराज का, जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, करोड़ों उनके फॉलोअर है, तो उनका एक मोल्ड बनाया था। ठीक है, तो आपको ये दिखता होगा, देखो ये साइड में देखो, ये देखो, ये मोल्ड मैंने बनाया था। ठीक है, इनका मोल्ड बनाया था और ये सिलिकॉन रबर में बनाया था। अभी इसके अंदर अपन लोग कास्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखो वही मोल्ड है, ये मोल्ड है और ये देखो, ये मोल्ड है। अभी इसके अंदर अपन लोग कास्टिंग करेंगे। ये देखो सिलिकॉन रबर का है, इसके अंदर अपन लोग आज कास्टिंग करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इस मोल्ड के अंदर मूर्ति बना के दिखाएंगे। वे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोल्ड तो आप बनाते हैं लेकिन उसके अंदर मूर्ति कैसी बनती है वो बहुत कम दिखाते हैं। तो आज अपन लोग ये जो मोल्ड बनाया है ना, उसके अंदर मूर्ति बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आज चलो उसके लिए अपन क्या क्या करते हैं, तो माल मटेरियल सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये देखो, ये देखो माल मटेरियल। तो उसके लिए ये देखो, ये मटेरियल हम लोगों ने मिक्स करके बनाया। अभी इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हमने पाउडर लिया है, वो पाउडर कौन सा, फ्रेंच ऑक पाउडर लिया है, कोबाल्ट लिया है और रेजिन लिया है। अभी हार्डनर बाद में डालेंगे लेकिन अभी तो ये तीनों का मिश्रण एकदम तैयार है। और ये कितना गाढ़ा है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, दोनों के बीच वाला है। ये देखो, अभी इसके अंदर हम लोगों ने पिगमेंट नहीं डाला है इसलिए कलर इसका ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे लोग पिगमेंट यूज़ करते हैं और मैं थोड़ा पिगमेंट मैं भी यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ। अगर किसी को ज़रूरत है तो ही मैं पिगमेंट यूज़ करता हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके ओरिजिनल मिश्रण जो होता है, ओरिजिनल पाउडर, कोबाल्ट और रेजिन, इसका ही ज़्यादा करके मैं वापर करता हूँ और ये ओरिजिनल मिश्रण से मूर्ति बनाता हूँ। अभी ये अपना ये बना है, देखो अभी ये मिश्रण पूरा तैयार है, थोड़ा नीचे बैठा है इसलिए आपको थोड़ा पतला दिख रहा है लेकिन असल में वो बराबर मिश्रण, ना गाढ़ा है ना पतला है, एकदम बराबर है। देखो अभी देखो, ये देखो है ना, इसी टाइप का अगर आप बनाएंगे ना तो आपका भी एकदम बराबर मूर्ति बनेगा। ठीक है, तो चलो अभी मिश्रण तो अपना तैयार है, मिश्रण कैसा बनाते हैं उसका एक वीडियो अपन अलग से बनाएंगे, अभी टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी ये अपना रेडी मिश्रण है, उसका ही उपयोग करेंगे। तो ये मिश्रण अपना है, तो अभी इससे काम अपन चालू कर देते हैं, मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा मिश्रण बना सकते हैं, देख लो, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है, आराम से आप बना सकते हैं। कोबाल्ट कितना लेना है, पाउडर कितना है, आपको जितना मूर्ति बनाना है, जितना माल का मूर्ति बनाना है उसके हिसाब से आप कोबाल्ट भी ले लो, उसके हिसाब से आप रेजिन भी ले लो। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना मूर्ति बनाना है और उसके हिसाब से आप कितना माल ले रहे हो, तो आपको समझ में आना मांगता है कि भाई कितना मात्रा में कितना डाला जाएगा। तो समझो इतना मात्रा अपने लोगों ने रेजिन लिया तो उसके अंदर कितना कोबाल्ट डाला जाना चाहिए, हाँ, तो कोबाल्ट कितना डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा वीडियो मैंने पहले दिखाया आपको। ठीक है, तो वो भी आप देख लो और उसके हिसाब से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन लोग अभी इसका वापर करेंगे और मूर्ति बनाएंगे। चलो ये देखो, ये पिगमेंट है, ये वाइट पिगमेंट है, देखो
वाइट कलर का पिगमेंट है। अभी मैं इस मिश्रण के अंदर डालता हूँ तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि भाई पिगमेंट से कैसा कलर चेंज होता है। अभी ओरिजिनल कलर ये देखो, ये ऐसा है। अब ये वाइट पिगमेंट डालने के बाद कैसा होएगा देखो, मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा डालूँगा, ये देखिए। देखो इतना ही डाला है। अभी ये देखो, अभी इसका कलर कैसा चेंज होएगा देखो, धीरे धीरे पूरा सफ़ेद हो जाएगा। देखो अभी इसका जो ओरिजिनल कलर है ना वो निकल जाएगा और वाइट पूरा हो जाएगा ये। अभी तो थोड़ा डाला है पिगमेंट, अपने को और चाहिए वाइट तो अपन और डाल सकते हैं इसके अंदर। आपको वाइट की क्वालिटी कितनी चाहिए उसके हिसाब से आप पिगमेंट डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो इतना वाइट अभी बना है, इससे भी ज़्यादा वाइट आप बना सकते हैं। लेकिन जब आप पिगमेंट डालेंगे ना तो उसको पूरा हिला के ले लेना, मतलब पूरा मिक्स कर लेना। अगर किधर रह गया ना तो मूर्ति के अंदर उसका धब्बा आ जाएगा, किधर एक लाइन आएगी वाइट की, वो ख़राब दिखेगी। तो उसको प्रॉपर हिला के पूरा मिश्रण मिक्स करके उसको पिगमेंट का पूरा कलर आना चाहिए इसके अंदर। वाइट हो गए देखो, कितना वाइट है देखो, पूरा ओरिजिनल वाइट हो गया। चलो अभी इसके अंदर से अपन मोल्ड के अंदर से अपन मूर्ति बना के दिखाएंगे, चलो ठीक है, हो गया। तो चलो दोस्तों अभी अपन मान लेते हैं थोड़े छोटे डब्बे में, ये देखो ये देखो ये थोड़ा साइज़ बड़ा है मूर्ति का और अपने मोल्ड का, तो उसके लिए मैंने थोड़ा 400 ग्राम लिया है ये मटेरियल, ठीक है। अपना जो मिश्रण है वो 400 ग्राम लिया। अभी इसके अंदर हार्डनर डालेंगे, ये देखो हार्डनर डालता हूँ मैं अभी। ओके हार्डनर डाल दिया, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो हार्डनर है ना एकदम नीचे तक जाना चाहिए, पूरा हार्डनर मिक्स होना चाहिए इसके अंदर। वरना क्या होता है, अगर आपने हार्डनर बराबर मिक्स नहीं किया ना तो कई जगह ऐसा रह जाता है, खाली मिश्रण ही रहता है, वहाँ तक हार्डनर पहुँचता ही नहीं। तो जब आप अंदर डालोगे ना तो वो मूर्ति क्रैक होती है। कभी ज़्यादा हार्डनर डालने से भी मूर्ति क्रैक होती है, तो उसके हिसाब से ही डालो। जितना आपने मटेरियल लिया है उसके हिसाब से अगर डालोगे तो मूर्ति भी अच्छी बनती है और अपना मिश्रण भी एकदम ठीक ठाक बन जाता है। चलो अभी इसका अंदर डाल देते हैं अपन मोल्ड के अंदर। तो देखो मोल्ड के अंदर डालने की एक प्रक्रिया है ना, आप ऐसा सीधा नहीं डालना इसके अंदर, ऐसा माल सीधा नहीं डालना है। तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये देखो ऐसा टेढ़ा मैं करता हूँ, और यहाँ से किधर एक कोने से मैं डालूँगा। माल कभी भी मोल्ड टेढ़ा करके डालो, ठीक है। ये देखो सीधा खड़ा नहीं डालना है, ऊपर से धीरे 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 साइड से डाल दो। उससे क्या होता है, अंदर के जो बबल्स होते हैं ना, अंदर के बबल्स वो बाहर धीरे धीरे निकल जाते हैं।
देखो अपन ये पहला कोट तो पूरा हो गया, अब ये दूसरा कोट मारेंगे, उसके लिए ये देखो ये मटेरियल ले रहे हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, पहले 400 ग्राम लिया था, अभी आधा किलो लेंगे कम से कम। हो गया, ये आधा किलो है, 500 ग्राम है। अभी इसके अंदर हार्डनर डालेंगे। अभी 500 ग्राम में हार्डनर कितना लगेगा? कम से कम 6% लगेगा, यानी 6 ml। ठीक है, ये देखो मैंने 6 ml डाल दिया है। अभी इसको धीरे 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 इसको मिस करेंगे, एकदम ज़ोर ज़ोर से शुरुआत में नहीं मिस करना है, हल्का सा मिस करो पहला, नहीं तो ये हार्डनर बाहर उड़ जाएगा और थोड़ा शरीर को अगर लग गया तो जलन होएगी। तो उससे पहला थोड़ा धीरे 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 करते जाएंगे, एक बार ये मिक्स हो गया तो कोई टेंशन नहीं। देखो ये अंदर घोल गया, अभी घुल मिल के एकदम मिक्स हो गया अभी इसके अंदर, अभी ये बाहर उड़ेगा नहीं। फिर भी पूरा प्रॉपर मिक्स करना चाहिए कि हर जगह वो हार्डनर पहुंचना चाहिए, पूरा मिश्रण के अंदर एक जीव होना चाहिए, इसलिए थोड़ा देर तक करेंगे तो भी चलेगा, हिलाते रहेंगे तो भी चलेगा। वो कहीं इतना जल्दी सूखने वाला नहीं, हाथ में इतनी जल्दी नहीं सूखता है मटेरियल, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और इसके अंदर जो बबल होते हैं ना, ये छोटे छोटे बबल्स है ना, यही आपके मूर्ति को ख़राब करते हैं। तो जितना हो सके इतना बबल्स वो अपने आप फूट जाएंगे, नहीं तो ऐसा फूक मार के भी फूटते हैं। ठीक है, और अभी देखो, पहला अपन लोगों ने एक साइड से माल डाला था, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अपन सीधा माल डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी कोई हवा का कोई अंदर बबल्स रहने का कोई चांसेस नहीं है, जितने बबल्स है वो सारे निकल गए, तो अपन किधर से भी माल डाल सकते हैं ऐसा। देखो अभी दो कोट अपना पूरा हो गया, इसके अंदर दो कोट डाल दिया, अभी ये तीसरा कोट है, हाँ तीन कोट में ये पूरा मूर्ति एकदम परफेक्ट बन जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। अगर आपका मिश्रण एकदम सही रहेगा, गाढ़ा रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा ज़्यादा पतला नहीं, उसके बीच वाला रहेगा, तो तीन कोट में ये पूरा मूर्ति एकदम परफेक्ट मजबूत बनता है। अभी ये तीसरा कोट डाल रहा हूँ, दो कोट पहले ऑलरेडी पहले डाल के सूख गया है, अभी ये तीसरा डाल रहा हूँ। देखो
तो चलो दोस्तों, अभी अपना मूर्ति अंदर तैयार है, मोल्ड के अंदर। चलो अभी देखते हैं इसके अंदर मूर्ति कैसी बनी है। ये देखो दोस्तों, अपना मूर्ति देखो, ये एकदम ज़बरदस्त और एकदम क्लियर, कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं है। मूर्ति एकदम क्लियर आ गई, किधर बबल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी के सारी डिटेल आ गई उसके अंदर। ये देखो पीछे भी देखो, है ना, पूरा डिटेल आ गया। ये देखो, एकदम मूर्ति ज़बरदस्त आ गई। देखो दोस्तों, अपना मिश्रण है ना, एकदम परफेक्ट बनेगा ना तो मूर्ति भी परफेक्ट बनती है। बहुत सारे लोगों के दिक्कत आती है कि भाई बोल देते हैं कि सर हमारे मूर्ति में बबल्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए। बबल्स क्यों आएंगे? अगर आप माल मटेरियल सही ढंग से बनाएंगे तो बबल्स नहीं आएंगे। देखो मैंने माल जैसा डाला था उसके वजह से किधर भी आपको बबल्स नहीं मिलेंगे, गड्ढा नहीं मिलेगा। ये टेक्निक होती है माल डालने की, ठीक है। तो देखो एकदम परफेक्ट मूर्ति आ गई है ना। हेलो, और मूर्ति वज़नदार भी है और हेवी भी है, ठीक है। अभी देखो इसके नीचे मैंने क्या डाला है, माल मटेरियल रहा है। अभी इसको अब नीचे से ढक्कन लगाते हैं, ठीक है। तो पीछे नीचे का भी भाग एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अपन इसको थोड़ा नीचे कैसा ढक्कन लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो, ये तो अपना मूर्ति तैयार है पूरा, हाँ। अभी इसका नीचे का बेस अपना को, इसका नीचे का बेस अपने को अभी बनाना है, ठीक है, एकदम प्लेन। तो अपन कैसा बनाएंगे, तो ये देखो नीचे ये अपना कांच लिया है, थोड़ा जाड़ा है, 8 mm का कांच है। अभी इसके ऊपर मैंने मार्किंग करके लिया है, देखो इसके साइज़ का मार्किंग करके लिया है। अभी इसके अंदर माल डालेंगे, हाँ, और पूरा फैला के इसको इसके ऊपर रखेंगे मूर्ति को, तो ये नीचे का बेस उसका तैयार हो जाएगा। तो चलो अभी माल लेते हैं इसके अंदर। देखो ये माल लिया है, अभी जो अपना मिश्रण है वही लिया है। अभी उसके अंदर ये समुंदर के रेत डाल रहा हूँ इसके अंदर, देखो। ये देखो ये समुंदर की रेत है, बारीक बालू बोलते हैं ना, बालू ये है। अभी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, इससे क्या होता है नीचे का बेस को मजबूती आती है, हाँ। अभी आप अभी इसको धीरे 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 इसके अंदर मिक्स करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने बालू क्यों डाल दिया इसके अंदर, तो बालू का मतलब क्या है, एक तो ये गाढ़ा होता है, ठीक है, और नीचे का जो बेस होएगा ना वो बहुत मजबूत होएगा। ये देखो अभी मिक्स हो गया पूरा, ये जो बालू है ना पूरा मिक्स हो गया, और ये समुंदर के किनारे बहुत आसानी से मिलती है। अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं इसलिए हमारे पास समुंदर एकदम नज़दीक है, इसलिए हम लोग उसके अंदर से अच्छे क्वालिटी का रहेगा वो चुन के लेके आते हैं। क्योंकि अभी इसके अंदर मिक्स हो गया, अभी इसके अंदर अपना हार्डनर डालेंगे। ये हार्डनर है,
हार्डनर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। अभी हार्डनर को पूरा मिक्स कर देंगे। चलो अभी इसको फैलाते हैं इसके ऊपर डाल के। देखो अभी ये मूर्ति मैं इसके ऊपर आराम से रखता हूँ। देखो देखो मूर्ति मैंने इसके ऊपर रख दिया अभी। हाँ, इसको दबाने का नहीं, ये दबाएंगे थोड़ा अंदर से टूट जाएगा, जो नीचे का बेस होता है ना वो टूटता है, तो हल्का इसके ऊपर रखने का। अभी ये रखने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट के बाद ये सूखेगा, तब अपन इसका नीचे का जो साइड का एक्स्ट्रा है ना, ये जितना भी एक्स्ट्रा है वो पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। देखो दोस्तों ये अपना नीचे का बेस एकदम तैयार है। ये देखो नीचे भी तैयार है, मूर्ति भी तैयार है ना। देखो पूरा बेस भी एकदम प्लेन, ये देखो जैसा हम लोगों ने बनाया था एकदम फर्स्ट क्लास आया है। देखो और नीचे का बेस आप इसी तरह आप बना सकते हैं। एक कास्ट ले लो, उसके ऊपर माल डालो और ये आराम से उसके ऊपर मूर्ति रख दो। मूर्ति रखने के बाद 10 मिनट के बाद ये उसको नीचे से पतरे से निकाल दो, ताकि ये आराम से निकलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का, अगर आधा घंटा रखोगे ना तो कास्ट को जाम पकड़ के रखेगा, निकलेगा नहीं, बाद में तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक समय सीमा रहती है, उसको है ना माल डालने के बाद 10 मिनट के बाद उसको निकालना चाहिए, तुरंत निकालना नहीं चाहिए। 10 मिनट तो 7-8 मिनट तो लगना ही चाहिए उसको, उसके बाद निकालो, ठीक है। और आधा घंटा या 20 मिनट अगर आप दोगे ना तो बहुत कड़क हो जाएगा और पकड़ के रखेगा कांच को, निकलेगा नहीं, कितना भी जोर लगा दो नहीं निकलेगा। तो ये तय सीमा होती है उसकी कि इतने इतने टाइम में उसको निकालना ही चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा बेस आपको देखने को मिलेगा। एकदम मजबूत है, कुछ नहीं होएगा देखो, ठीक है। और मूर्ति भी एकदम मजबूत हो गई है, थोड़ी हेवी है और अच्छे दिखते हैं। देखो एकदम क्लियर मूर्ति आ गई। तो दोस्तों ये अपना प्रोग्राम कैसा लगा, मूर्ति का जो भी है कास्टिंग कैसा लगा वो आप मेरे को कमेंट्स करके बता दो। और जो भी है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और आप जो नए लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो किया होगा, और जो आप देखने वाले हैं वीडियो वो सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों चलो चलते हैं, और ये कास्टिंग का आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर हमको बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। Okay.